मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ए टू मोटिवेशन का, ये मैंने मेरे लिए नहीं बनाया। हम यहाँ पर फैक्ट और मोटिवेशन आपको बताते हैं, लेकिन मेरा एक मकसद इसके पीछे ये भी था कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ लोगों की आगे बढ़ने के लिए, मैं उतनी कर पाऊँ। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ये बात, आज नहीं तो कल आपके पास भी एक आइडिया होगा। आप भी यूथ हो, एक बात याद रखो, यूथ होके इंडियन यूथ को सपोर्ट करिए ताकि वो आगे बढ़ सके। आज कल ये आगे बढ़कर स्टार बनेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, शायद आपके पास भी कोई आइडिया हो। मैं आपसे कहता हूँ, जब आप ऐसा लिखते हो ना, किसी के लिए पॉजिटिव एनर्जीज को निकालते हो, ऊपर वाला सब देखता है, जो लिखते हैं फुल सपोर्ट। आप जो भी लिख रहे हैं इन बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ बिहार से निकले बच्चों के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक दिन आपको भी ऊपर वाले से फुल सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। अच्छा लिखने वाले के साथ और अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा ही होता है। मैं आज दिल से बोलना चाहता हूँ, मेरी वैसे उम्र हो गई, सब जानते हैं अरविंद सर बूढ़े हो गए, तो बूढ़ों की दुआएं भी बहुत लगती हैं। तो आज जिन्होंने इन बच्चों के लिए चैट में लिखा है फुल सपोर्ट, इन बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इन बच्चों को चाहते हैं कि अगले टाटा बिरला बने, टाटा बिरला ही नहीं, उनसे ऊपर बनकर अपना नाम कमाए, है ना, जो ऐसा चाहते हैं कि ये एक दिन इंडिया का नाम रोशन करें, एक नया यूनिकॉर्न खड़ा करें, एक नया रिलायंस खड़ा कर दे, है ना, एक नया TCS खड़ा कर दे, एक टाटा, नया टाटा का एंटरप्राइज खड़ा कर दे, समझ रहे हो, एक बड़ी कंपनी बना दे, उन बच्चों के लिए मैं ना, देखो मेरी तो हो गई उम्र, मैं तो इन बच्चों के सपने पूरे करूंगा, मैंने तो सोच लिया। हिंदुस्तान सिर्फ पार्ले जी बनाना नहीं जानता है, अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो एप्पल जैसी 10 कंपनियां खड़ी कर देंगे हम लोग, अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो टेस्ला जैसी 100 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी हिंदुस्तान में, जब तुम्हारी सोच बदलेगी तब खड़ी होंगी। हमारे अपने को सोच बदलने की जरूरत है।